हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं इंद्रा शर्मा, रसोई मम्मी की मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम फलाहारी बॉल्स बनाएंगे, तो देखिए इसके लिए क्या क्या सामग्री मैंने यूज में ली है। ये व्रत में आप खा सकते हैं। तो ये है फूल मखाने, एक बॉल के करीब फूल मखाने, एक बॉल साबुदाने हैं। इन साबुदानों को मैंने भिगो दिया है, करीब 5-6 घंटे भिगो दिया है। इसमें थोड़ा सा धनिया भी आ रहा है फ्रेंड्स। तो इसको 5-6 घंटे भिगो दिया है मैंने, और फिर उसे चलनी में छान लिया है। और ये है, ये नमक है, और ये काली मिर्च है, और ये कॉर्नफ्लोर है। 3 चम्मच छोटे चम्मच ले रखा है मैंने। अभी ज़रूरत के हिसाब से इसमें बाइंडिंग करेंगे। और ये है हरी मिर्च और धनिया को मैंने बारीक कटिंग कर ली है। और ये 4 बॉइल्ड आलू हैं फ्रेंड्स। तो इन सबको मिला के अभी हम फलाहारी बॉल्स बनाएंगे। सबसे पहले मैं ये कढ़ाई रख देती हूँ, और कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालेंगे। कढ़ाई में घी डालेंगे, और फूल मखाने हम फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी इसमें घी डाल रही हूँ मैं। ये करीब 1 टेबल स्पून के करीब देसी घी है, जैसे घी है। और इसमें मैं ये 1 बॉल के करीब फूल मखाने डाल रही हूँ, और इसे हम फिर ग्राइंड करेंगे। थोड़ी गैस धीरे कर दी है मैंने, ताकि ये जले नहीं, और हल्का हल्का इस तरह से पहले फ्राई कर देंगे, और फिर हम इसे ग्राइंड करेंगे। ये करीब 1-2 मिनट में हो जाएंगे। तो देखिए, अभी मैं ग्राइंड भी करती हूँ फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये मैंने मिक्सी के ग्राइंडर जार में सारे फूल मखाने फ्राई करके और इस तरह से ग्राइंड कर लिए। तो अब इसे हम एक मिक्सिंग बाउल में मिक्स करेंगे। ये ग्राइंडिंग जार का सारा फूल मखाने का क्रश किया हुआ मैंने डाल दिया इसके अंदर, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये सारा ग्राइंडर का सारा फूल मखाने सारे इसमें डाल दिए मैंने। और अब मैं इसमें ये साबुदाने डालूंगी। ये साबुदाने फ्रेंड्स मैंने 2 घंटे भिगो दिए थे, और फिर चलनी में छान लिए थे। चलनी में छानने के बाद में एकदम ड्राई हो जाते हैं, और इस तरह भिगे हुए ये साबुदाने भी इसमें डाल दूंगी। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी मैंने डाला था, तो थोड़ा दिख रहा है। अच्छा, अब मैं इसमें ये आलू, जो 4 आलू थे, इसे मैश करके और इसके अंदर डाल दूंगे। 4 आलू डाल दूंगे, और इसे भी हम मैश करेंगे इस तरीके से। तो ये कढ़ाई हमने गरम होने रख दी है, गैस थोड़ी सी तेज कर दी है ताकि तेल गरम हो जाए। और ये आलू भी मैश कर दिए मैंने। आलू को अच्छी तरह से मैश करना है साबुदाने में। तो इस तरीके से साबुदाने, आलू और फूल मखाने सब मिक्स हो जाएंगे। पहले इस तरीके से मिक्स कर लिया इनको, ताकि आलू का चूरा भी हो जाए। और अब हम ये धनिया और हरी मिर्च डाल देंगे, और ये नमक भी डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स,
ये नमक भी डाल रही हूँ मैं। नमक ये सब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालेंगे, और ये काली मिर्च है ये भी डाल रही हूँ, तो ये सब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। और इसके अंदर मैं अब ये कॉर्नफ्लोर है जो, ये भी डाल रही हूँ, तो ये कॉर्नफ्लोर थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी मैं, और इसको इस तरीके से बाइंड करेंगे। थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर हमें थोड़ा सा और डालना पड़ेगा, देखिए थोड़ा और डाल रही हूँ ताकि बाइंडिंग अच्छी तरह आ जाए और ये क्रिस्पी बने, बॉल्स अपने क्रिस्पी बनेंगे तभी टेस्टी लगेंगे। ये सारे मिक्स हो गए, इधर तेल भी गर्म हो रहा है, अब इसके हम बॉल्स बना लेते हैं। तो ये ट्रे तो मैं इधर अलग रख लेती हूँ। हाथ पे हम थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करेंगे और फिर हम ऑयल या घी आप कुछ भी ले सकते हैं फ्रेंड्स, तो मैं थोड़ा सा ये घी ले रही हूँ, घी से थोड़ा बेटर रहेगा, थोड़ा सा मैं घी ले रही हूँ, तो घी से ज़रा मैं हाथ को ग्रीस कर देती हूँ इस तरीके से, और ये सारे बॉईल किए हुए आलू और सब मिक्स कर देती हूँ, और ये छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। इस तरीके से ये छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। आपको मैं एक बॉल बना के दिखा देती हूँ फ्रेंड्स, ये इस तरीके से बॉल्स बनाएंगे, तो हम ये सभी बॉल्स बना लेंगे। अभी मैं सारे बॉल्स बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सारे बॉल्स इस तरीके से बना लिए हैं, ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं, तो अब मैं इन्हें फ्राई करूँगी। तो एक एक बॉल्स करके हम डालेंगे, पहले देखेंगे ऑयल गर्म हो गया है ठीक से, अब एक एक करके सारे बॉल्स डालेंगे। जितने कढ़ाई में आ सकते हैं हम उस हिसाब से डाल रहे हैं। अभी और बॉल्स बना लेंगे जब तक, और ये बॉल्स निकाल लेंगे, उसके बाद दूसरे बॉल्स डालेंगे। थोड़ी सी गैस मैंने मीडियम हाई कर दी है ताकि हमारे बॉल्स एकदम क्रिस्पी बने। अब जब थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे तब हम इन्हें उलट देंगे, थोड़ा थोड़ा इस तरह से हिला के, अगर कोई चिपक गया है तो हम इस तरीके से अलग कर देंगे।
और इसको हम अब उलट देंगे इस तरीके से। थोड़े से ये जब क्रिस्पी हो जाएंगे तब हमें निकाल लेंगे इन्हें। ये बॉल्स आप कोई भी व्रत में बना सकते हैं फ्रेंड्स और खा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर साबूदाना भी है, आलू है और सेंधा नमक, काली मिर्च, हरा धनिया और हरी मिर्च है। तो किसी भी व्रत में आप बनाइए और इसे खाइए। कभी कभी थोड़े से चिपक जाते हैं तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं फ्रेंड्स, आप इन्हें थोड़ा अलग कर सकते हैं। जब ये पक जाएंगे तो अपने आप अलग हो जाएंगे। अब हम गैस थोड़ी सी मीडियम कर देते हैं, एकदम लो भी नहीं करेंगे नहीं तो ये सारा ऑयल पी जाएंगे, तो लो तो बिल्कुल ही नहीं करना है। ये मीडियम गैस है, अपने मीडियम गैस पे ही मैं फ्राई कर रही हूँ। पहले थोड़ी हाई थी, उसके बाद मीडियम लो कर दी। देखिए नीचे से भी ब्राउन होने लग गए, ये चारों तरफ से ब्राउन हो गए तभी क्रिस्पी लगेंगे और खाने में भी टेस्टी लगेंगे। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। एक एक करके बॉल्स को हम निकाल लेते हैं। टिश्यू पेपर पे निकालने से थोड़ा एक्स्ट्रा ऑयल होगा तो इसमें चला जाएगा। अभी मैंने गैस धीरे कर दी है, थोड़ी एकदम स्लो कर दी है, सिम पे कर दी है और अब ये पक गए हैं तो हम इस तरीके से इन्हें निकाल लेंगे। देखिए ये कितने अच्छे सिके हैं, ये अच्छे सिकेंगे तभी अच्छे लगेंगे फ्रेंड्स। तो अभी मैं इन्हें डेकोरेट करके भी बताऊंगी कि ये किस तरह से हमें इसे सर्व करना है। देखिए फ्रेंड्स हमारे ये फलाहारी बॉल्स कितने मस्त लग रहे हैं। ये इस तरीके से मैंने ये टूथपिक्स लगा लिए, आप कोई भी टूथपिक ले सकते हैं और इसे आप यूज में ले सकते हैं और इसके ऊपर लगा लीजिए। और इसे आप हरे धनिए की चटनी के साथ, मैंने दही की चटनी है ये हरे धनिए की, तो इसके साथ सर्व किया है। और ये आप टमाटो सॉस ले सकते हैं, टमाटो चटनी घर की बनी हुई ले सकते हैं और टमाटो केचप कोई भी आप ले सकते हैं और उसके साथ ये बॉल्स सर्व कर सकते हैं। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी फ्रेंड्स बताइए, कमेंट कीजिए, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय।